तो चलिए आपको दिल्ली ले चलते हैं। बड़ी खबर बता दें, जहां कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैलाश गहलोत ने दिल्ली में सरकार पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कैलाश गहलोत ने आपसे इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, शीश महल और यमुना का जिक्र किया और कहा है कि अगर कोई और विकल्प नहीं बचा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली की राजनीति में बड़ी खलबली मची हुई है। आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं कैलाश गहलोत, और उन्होंने अपने मंत्री पद से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आपसे रिजाइन करते हुए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भी लिखा है। कैलाश गहलोत ने इस पत्र में लिखा है, शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद है जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अभी स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती है। स्पर्श शर्मा, ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, बड़ी हलचल हुई है जहां कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार से इस्तीफा दे दिया है और एक लंबा चौड़ा खत भी लिखा है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, क्या कुछ पूरी डिटेल? देखिए, बिल्कुल, दिल्ली सरकार में बड़े कद के मंत्री थे कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। न केवल मंत्री पद बल्कि इसके साथ साथ जो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता है उससे भी कैलाश गहलोत की तरफ से जो इस्तीफा है वो जो है दे दिया गया है। और इस खत की बात करें जो लिखा गया है उसमें कई बड़े कारण जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने जो है दिए हैं। सबसे पहला कि जिस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर जो है बात करती थी आम आदमी पार्टी, लेकिन डेडलाइन पे डेडलाइन होती हुई नजर आई, लेकिन यमुना की सफाई जो है नहीं हो पाई है और उससे भी ज्यादा प्रदूषित जो है वो यमुना हो गई है, ये बात जो है कैलाश गहलोत की तरफ से की गई। दूसरा, शीश महल को लेकर जिस तरीके से किरकिरी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की होती हुई जो है नजर आई थी, उसको लेकर एक बड़ा कारण जो है वो कैलाश गहलोत की तरफ से जो है कहा गया है। तीसरा जो बड़ा कारण उन्होंने अपने पत्र में लिखा है वो ये कि जो आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा था उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात करती हुई नजर आती थी आम आदमी पार्टी, लेकिन उस बीच जो दिल्ली सरकार है वर्सेज जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है होता हुआ नजर आता था, जिसके कारण जो दिल्ली की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उस तरह की प्रोग्रेस जो है दिल्ली में नहीं हुई है, ये बड़ा आरोप जो है वो कैलाश गहलोत की तरफ से लगाया गया। तो ऐसे में कई गंभीर आरोप जो है कैलाश गहलोत की तरफ से पार्टी छोड़ते वक्त जो है लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के संदर्भ में बड़ा झटका जो है कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में जो है जल्द विधानसभा चुनाव होते हुए जो है नजर आएंगे और उससे पहले इस कद का नेता अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ता हुआ जो है नजर आ रहा है वो एक बड़ा सेटबैक जो है आम आदमी पार्टी के लिए सीधे तौर पर कहा जा सकता है। तो बड़ा झटका तो स्पष्ट कहा ही जा सकता है, ये भी समझा जा सकता है, क्या अब कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं कैलाश गहलोत? देखिए, बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है चुनावी सीजन है और चुनावी सीजन में हम जानते ही हैं कि जो नेता है वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का जो सिलसिला है उनका देखने को मिलता हुआ जो है नजर भी आता है। ऐसे में कैलाश गहलोत की बात करें तो पिछले दिनों कैलाश गहलोत से भी जो ईडी की पूछताछ है वो जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में हो सकता है कि कैलाश गहलोत आने वाले दिनों में जो कोई अन्य पार्टी है उसमें जो है जाते हुए नजर आए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे, क्या वो कांग्रेस का रुख करते नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके पर पार्टी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है उसमें ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है आतिशी की बात की जाए या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, ऐसे तमाम चेहरों के लिए बड़ा झटका जो है सीधे तौर पर कहा जा सकता है, जहां पर दिल्ली सरकार के एक बड़ा चेहरा कैलाश गहलोत जिन्होंने जो है फिलहाल अपना जो प्राथमिक सदस्य आम आदमी पार्टी की वहां से भी इस्तीफा दिया, दिल्ली सरकार के मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया और कई गंभीर आरोप जो है वो जो है अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी पर वो सीधे तौर पर जो है लगाते हुए नजर आए हैं। जिस पर ये भी समझना चाहेंगे, पार्टी की ओर से कोई बयान सामने आया हो या मुख्यमंत्री आतिशी की बात करें उन्होंने कुछ अभी तक रिएक्शन दिया हो इसको लेकर?
देखिए अभी जो है पार्टी की तरफ से तो कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक इस बार आम आदमी पार्टी जो है कई बड़े बदलाव जो टिकट वितरण है उसमें सीधे तौर पर जो है करती हुई जो है नजर आ सकती है। ये फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कई बड़े बदलाव से संदर्भ में करीब जो 20 से ऊपर विधायक है उनके जो टिकट है आने वाले समय में वो कटते हुए भी जो है नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि कई प्रकार के अपने जो कारण है वो होते हुए जो है नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऑफिशियल बयान की बारे में बात करें तो वो जो है पार्टी की तरफ से अभी नहीं निकल कर सामने आया। तो बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पष्ट तमाम जानकारी देने के लिए।